We know that ruling a large territory such as the Indian subcontinent is not an easy task. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करना रूल करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है. क्यों? ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर. इसीलिए कोई भी रूलर टिल द स्टार्टिंग ऑफ 16th सेंचुरी ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाया था. नो रूलर टिल द स्टार्टिंग ऑफ 16th सेंचुरी वॉज एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन मुगल्स अनलाइक द प्रेडिसेसर्स मुगल्स अपने से पहले राजाओं से हट के दे क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड अ लार्ज एम्पायर क्वाइट इफेक्टिवली. उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक एम्पायर एक लार्ज एम्पायर को क्रिएट भी किया एंड कंट्रोल भी किया. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपैंडेड द किंगडम. 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा. और 17th सेंचुरी तक आते आते दे वर ऑलमोस्ट इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. पूरा सब कॉन्टिनेंट अप्रॉक्सीमेटली इनके कंट्रोल में था, इनके रूल के अंडर था. इन्होंने ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स इम्पोज किए, ऐसे गवर्नेंस के आइडिया दिए कि वो लोगों के साथ रहे इवन आफ्टर देयर रूल एंडेड. द इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस ऑन द पीपल दैट स्टेड विद द पीपल इवन आफ्टर देयर रूल एंडेड. इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आज भी हर साल इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम वेयर. फ्रॉम द रेड फोर्ट इन दिल्ली व्हिच वाज वंस द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स. हमें पता है दिल्ली में रेड फोर्ट है, वहां से प्राइम मिनिस्टर पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं जो कि एक टाइम पे मुगल एम्परर्स की रहने की जगह थी. Not talking about who were the Mughals. Mughals थे कौन? Now Mughals were descendants of two great lineages of rulers. दो great rulers के lineages के descendants थे. अगर हम बात करें उनकी mother side से, then they were the descendants of Genghis Khan, the great ruler of Mongol tribes who ruled over China and Central Asia. He died in 1227. Genghis Khan Mongol tribe के ruler थे, China और Central Asia में इनका rule था and he died in 1227. इनकी photo आपकी screen पे आ चुकी होगी. From their father's side, they were the successors of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. Father side पे successors थे Timur के जो Iran, Iraq और modern day Turkey पे rule करते थे and he died in 1404. अगली जो photo आएगी वो Timur की होगी आपकी screen पे. However, मुगल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था उनको कोई मुगल या फिर मंगोल बुलाए. ऐसा क्यों? बिकॉज इसके दो रीजन थे. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट गेंगीज खान वॉज जनरली एसोसिएटेड विद मैसेकर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. गेंगीज खान का नाम लोगों के किलिंग से जुड़ जाता था और थोड़े बहुत भी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और इसका एक और जो रीजन था दैट वॉज this word was linked with Uzbeks, their Mongol competitors. ये word Mongol या Mughal उनके Mongol competitor Uzbek के साथ associated था. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. इसका reason क्या है? इसका reason है that their great ancestor Timur captured Delhi इन द ईयर 1308. तिमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था एक बार 1308 में. सो दे सेलिब्रेटेड द जीनियोलॉजी. वो अपनी जीनियोलॉजी को सेलिब्रेट करते थे यूजिंग पिक्चर. हर मुगल एम्परर अपनी पिक्चर बनवाता था विद तिमूर, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर जिन्होंने इंडिया पे रूल किया 1526 से लेके 1530 तक, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना जो उनकी एंसेस्ट्रल थ्रोन थी इन द ईयर 1494 जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे. बट ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन. क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वो इनके कॉम्पिटिटर्स थे. After years of wandering, काफ़ी साल ऐसे ही घूमने के बाद he seized Kabul in the year 1504 and finally in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi
at the First Battle of Panipat and captured Delhi and Agra. 1526 में इन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में और कैप्चर किया दिल्ली और आगरा को. नाउ स्टडिंग अबाउट ग्रेट मुगल एम्परर्स. फर्स्ट वॉज बाबर जिनका रूल हुआ 1526 से लेकर 1530 तक. 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. इन द ईयर 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा द फेमस राजपूत रूलर एंड हिज अलायंस एट खानुआ. इन द ईयर 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी द ब्रेव राजपूत. उन्होंने 1528 में उनको चंदेरी में हराया एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ. अपनी डेथ से पहले पहले एस्टैब्लिश किया अपना कंट्रोल आगरा और दिल्ली में. नेक्स्ट कम्स हुमायूं जिनका रूल रहा 1530 से लेके 40 तक एंड देन 55 से लेके 56 तक. ये 15 साल का गैप था. क्यों पढ़ते हैं. नाउ हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हुमायूं ने अपनी जो इनहेरिटेंस थी अपने फादर से जो मिला था एम्पायर उसको अपने फादर के विल के हिसाब से बांट दिया. हर एक भाई को एक प्रोविंस दे दिया गया था. हिज ब्रदर्स वर गिवन ईच अ प्रोविंस. लेकिन इनके एक ब्रदर मिर्जा कामरान ही रिबेल्ड अगेंस्ट हुमायूं विच वीकेंड हुमायूं कॉज्ड अगेन अफगान कॉम्पिटिटर्स. जिसकी वजह से जो हुमायूं की स्ट्रगल चल रही थी अफगान कॉम्पिटिटर्स के साथ वो काफ़ी वीक पड़ गई. नाउ शेर शाह अनदर अफगान डिफीटेड हुमायूं फर्स्ट एट चौसा इन द ईयर 1539 एंड देन एट कन्नौज 1540 में. अब कन्नौज की हार के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था ईरान हिंदुस्तान छोड़कर इंडिया छोड़कर एंड हेंस शेर शाह एस्टैब्लिश्ड द सो डायनेस्टी इन इंडिया. सो जो गैप था 1540 से लेके 1555 तक तब तक सो डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह. जो सफाविद डायनेस्टी के शाह थे उन्होंने हुमायूं की हेल्प करी. हेंस ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555. लेकिन अगले ही साल एक एक्सीडेंट हुआ पुराना किला में दिल्ली में जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई. नाउ द नेक्स्ट रूलर कम्स अकबर जिनका रूल चला 1556 से लेकर 1605 तक. नाउ अकबर से वो सिर्फ 13 साल के थे जब ये एम्परर बने. इनके रेन को इनके रूल को हम तीन पार्ट्स में तीन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पीरियड बीइंग 1556 से लेकर 1570 तक जब अकबर अपने रेजेंट बैरम खान और बाकी डोमेस्टिक स्टाफ के इंडिपेंडेंट हुए. बैरम खान जिनके फादर हुमायूं के बहुत ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर थे. इन दिस पीरियड मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड इसी के साथ साथ टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड उज़्बेक्स. मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए गए सूरीज के खिलाफ अफगान के खिलाफ मालवा गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड उज़्बेक्स. 1568 में ही सीज द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर. नेक्स्ट पीरियड इज 1570 टू 1585. मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर लॉन्च. गुजरात के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया गया. इसी के बाद बिहार बंगाल और उड़ीसा के खिलाफ लॉन्च किया गया. दीज कैंपेन्स वर इंटरप्टेड बाय द रिवोल्ट इन 1579-1580. इन कैंपेन्स को इंटरप्ट किया एक रिवोल्ट ने 1579-80 में जो मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में उठा था. उसके बाद नेक्स्ट पीरियड कम्स 1585 टू 1605. इस टाइम पीरियड में एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कंटिन्यूड. Campaigns were also launched in the northwest direction. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir ko bhi unhone apne under kar liya. Kabul ko bhi unhone apne control mein liya once his brother Mirza Hakim died. Now campaigns in Deccan also started. South India taraf bhi inke campaigns start hue. And Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. Ab inka jo last year tha inke reigns ke Akbar kafi distract hue. Kyun? बिकॉज उनके फेवरेट सन थे प्रिंस सलीम जो फ्यूचर में एम्प्रेस जहांगीर बने. उन्होंने अपने फादर के खिलाफ अकबर के खिलाफ रिबेल कर दिया था. सो द नेक्स्ट इज जहांगीर.
1605 से लेकर 1627 तक इनका रूल चला। जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने चलाए थे उन्होंने जहांगीर ने उनको कंटिन्यू किया। जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे, ही एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिक्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। सिक्स आपके पंजाब की साइड, अहोम्स आसाम की एंड अहमदनगर आपका साउथ में पड़ जाता है। नाउ प्रिंस खुर्रम जो बाद में जाके एम्प्रेस शाहजहां के नाम से जाने जाते थे, ही रिबेल इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। जहांगीर के लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रूल में प्रिंस खुर्रम जो बाद में एम्प्रेस शाहजहां के नाम से जाने का उन्होंने रिबेल किया। नाउ द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, टू मार्जिनलाइज शाहजहां वर अनसक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एफर्ट्स उनके। द नेक्स्ट मुगल एम्प्रायर बीइंग शाहजहां, जिन्होंने रूल किया 1627 से लेकर 1658 तक। नाउ मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। एक अफगान जो नोबल थे खान जहान लोदी, ही रिबेल्ड बट वॉज डिफीटेड। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर ऑल्सो। बुंदेलास जो एक तरह के राजपूत होते हैं, दे वर डिफीटेड एंड ओरछा वॉज सीज्ड। ओरछा उनकी सीट थी जहाँ से वो रूल करते थे। नॉर्थ ईस्ट में एक कैंपेन चलाया था टू सीज बलख फ्रॉम द उज़्बेक, दैट वॉज अनसक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू सफाविद्स। अब कहा जाता है जो कंधार हार गए सफाविद्स को, ये इनके पूरे रूल की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। इन द ईयर 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्सेस सूट फॉर पीस। 1632 में अहमदनगर को फाइनली एनेक्स कर लिया गया कम्प्लीटली, और बीजापुर को फोर्सेस को फोर्स किया गया कि वो पीस एक्सेप्ट करे, वो भी मुगल टर्म्स पे। अब 1657 और 1658 ईयर्स में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। शाहजहां के चार बेटे थे, उन चारों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ सक्सेशन के लिए। नाउ औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज थ्री ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुखो जो शाहजहां के सबसे बड़े और शाहजहां के सबसे फेवरेट बेटे थे, ऑल थ्री इंक्लूडिंग दारा शुखो वॉज किल्ड एंड शाहजहां वॉज प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अपनी बाकी पूरी जिंदगी के लिए शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया गया आगरा में। नाउ द नेक्स्ट रूलर बीइंग औरंगजेब जो 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया, ही डिफीटेड द अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1663 बट दे अगेन रिबेल्ड इन 1680s। 1663 में उनको डिफीट किया गया, लेकिन 1680s में उन्होंने फिर से रिबेल किया। कैंपेन्स द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफज़ई एंड द सिक्स वर टेम्परेली सक्सेसफुल। कुछ टाइम के लिए वो सक्सेसफुल हो गए। अब जब मुगल्स ने इंटरवीन किया इन द सक्सेशन कि अगला किंग कौन बनेगा, एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़, राजस्थान के राठौर राजपूत जो है मारवाड़ के, उनके सक्सेशन में इंटरवीन किया मुगल्स ने, तो उसकी वजह से उनकी तरफ से रिबेलियन हो गया। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफटेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। जो मराठा के चीफटेन थे, लॉर्ड थे शिवाजी, वो इनिशियल उनके खिलाफ कैंपेन जो लॉन्च किए मुगल ने वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन जब औरंगजेब के बुलाने पे शिवाजी आगरा आए, तो औरंगजेब ने उनकी इंसल्ट की। उसके बाद शिवाजी आगरा से एस्केप किया एंड वंस ही रीच्ड पुणे, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स के खिलाफ अपना कैंपेन दोबारा स्टार्ट किया। अब प्रिंस अकबर जो औरंगजेब के बेटे थे, ही रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत। उनकी तरफ से उनको सपोर्ट पूरा पूरा मिला, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सो ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। प्रिंस अकबर कहाँ भाग गए, सफाविद ईरान की तरफ। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत की तरफ उन्होंने अपनी आर्मीज भेजी। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। बीजापुर को 1685 में एनेक्स किया गया और गोलकोंडा को दो साल बाद 1687 में। नाउ फ्रॉम 1698
औरंगजेब खुद डेक्कन की तरफ आ गए अपनी आर्मी लेके टू पर्सनली मैनेज द कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड अ गुरेला वॉरफेयर। मराठास की अगेंस्ट कैंपेन को खुद होल्ड करने के लिए, खुद सुपरवाइज करने के लिए जिन्होंने गुरेला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी थी। नाउ औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन रिबेल कर रहा था? सिक्स, जाट्स और सतनामीज। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स एंड द डेक्कन द मराठा। सो किस किस ने रिबेल किया? नॉर्थ इंडिया में सिक्स ने, जाट्स ने, सतनामीज ने, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स और डेक्कन में मराठास ने। When Aurangzeb died, his death was followed by succession conflict amongst his sons. इनके बेटे अगला मुगल एम्परर कौन बने, इसके लिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। So student